नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक क्रॉसकटर का मेजर ब्रिज क्रॉसकटर का बीबीएस कैसे बनाना है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस एक्सेल फाइल में मैंने क्रॉसकटर का बीबीएस बनाया है, ऑटोमेटेड बनाया हुआ है। इसमें आपको कोई कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एक्सेल शीट में यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर का शीट दिया था यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा आपने अगर डेटा एंट्री कर लिया तो ये डेटा आपको ड्राइंग में मिल जाएगा। इस डेटा को आप एंट्री करने के बाद यहाँ पे आपका बीबीएस ऑटोमेटेड यहाँ बन के आ जाएगा। तो इसमें मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, जैसे ये मेजरमेंट आया है मेरा यहाँ पे एक नंबर बार का 2.02 या फिर ये दूसरा नंबर ऑन ये बार का 1.7 आया है, ये मेजरमेंट कैसे आया, कैसे मैंने निकाला है, वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो का आखिरी तक देखिएगा। वीडियो चालू होने के पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि चैनल का अपडेट इंस्टेंट आपको मिलते रहेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट साथ में जरूर कर देना। चलिए वीडियो चालू करते हैं। पहले देखिए इसमें इस ड्राइंग में देखिए एक नंबर बार दिया हुआ है, एक नंबर बार 20 दिया और नंबर्स भी दे दिया है। यहाँ पे स्केचिंग में दिया नंबर्स दे दिया है, तो नंबर्स दे दिया तो आपको नंबर्स भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले एक नंबर दिया है, एक नंबर बार अपना सेक्शन वाला ड्राइंग में देखते हैं कहाँ है। ये देखिए एक नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है और इधर भी दे रहे हैं एक नंबर का, इधर भी है। देखिए एक नंबर बार यहाँ पे दे रहे हैं, तीनों स्पैंड है जो स्पैंड का बीच में दे रहे हैं, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। एक नंबर बार यहाँ पे आरो दिखाया हुआ है, यहाँ एक नंबर बार यहाँ तक आ रहा है, देखिए यहाँ तक, और यहाँ पे इधर ख़त्म हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आया हुआ है। तो एक नंबर बार का अपना मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसने भी मेजरमेंट दिया आपको, देखिए 3 मीटर दिया है यहाँ सेंटर से, एक गटर का सेंटर से दूसरा गटर का जो सेंटर है 3 मीटर दे दिया है, गटर का बॉटम विड्थ यहाँ दिया हुआ है देखिए 7.5 सेमी, लेकिन साइड पर जो एक्सटेंड हुआ है वहाँ तक अपना फील नहीं आ रहा है। दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जो कटर का टॉप पोर्शन है वहाँ तक अपना स्टील है नहीं, वहाँ से 40 mm दूर रखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो कवर 40 mm में या 30 mm 35 mm जो भी आया है उतने कवर छोड़ के रखिए, यहाँ पे इधर भी छोड़ के रखिए ताकि आपको प्लेसिंग के समय दिक्कत नहीं करेगा। तो मान लीजिए आपका कंगड़ 5 या 10 mm आउट हुआ तो ये स्टील आपको प्लेसिंग करने में बड़ा दिक्कत करेगा, इसलिए यहाँ पे कवर माइनस कर दीजिए। जो यहाँ पे जो नीचे लैपिंग करेंगे उस वाला स्टील को कवर बढ़ा दीजिए। तो पहले अपन चलते हैं एक नंबर बार पे, एक नंबर बार अपना टॉप विड्थ गटर का टॉप विड्थ देखती हूँ कितने माइनस करना है। गटर का टॉप विड्थ है 900 mm है, तो आप में यहाँ से लेके यहाँ तक 450 mm रहेगा, तो 450 mm यहाँ पे तो एक माइनस यहाँ से यहाँ तक एक ये वाला गटर का सेंटर से यहाँ बार का फिर 450 mm रहेगा, तो यहाँ पे एक 450, यहाँ पे एक 450 mm माइनस कर दीजिए। तो ये उसके बाद में यहाँ पे एक 40 mm इधर एक 40 mm माइनस कर दीजिए दोनों साइड कवर के लिए, तो ये एक नंबर बार का मेजरमेंट आपको मिल जाएगा। तो माइनस करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे 3 मीटर अपना इनर ट्रेनर है और एक साइड का 0.45 का हाफ फिट है और दूसरा हाफ फिट माइनस कर दिया, फिर कवर एक साइड का माइनस कर दिया, फिर दूसरे साइड का भी कवर माइनस कर दिया, तो 2.02 आ गया। यहाँ देखिए अपना बीबीएस में कितना आया, 2.02 आ गया। चलिए अभी मैं इसको शेड कर लेता हूँ, चलते हैं दूसरा नंबर। एक 1.8 है, देखिए 1.8 नंबर बार है, 20 mm दया दिया है और नंबर भी दे दिया है। इसका एल बी है, एल का मेजरमेंट 650 mm दे दिया है, सिर्फ अपना लेंथ फाइंड आउट करना है इसमें। तो 1A कहाँ आया, देखिए मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, 1A यहाँ पे है, ये देखिए मैंने शेड करके दिखा रहा हूँ 1A, तो यहाँ पे कहीं और नहीं दे रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं 1A। देखिए तो ये इसका मतलब इस एरिया यहाँ से लेके ऐसे आएगा, फिर ऐसा सीधे जा रहा है यहाँ तक है, यहाँ तक दिखा रहे हैं। तो ये 1A बार कैसे फाइंड आउट करना है आपको मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए गटर का जो
टॉप विड्थ है 0.9 मीटर है, तो यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे 0.9 मीटर ले लेता हूँ। तो इसके वजह से मैं ये वाला, इस साइड वाला, इस साइड वाला, बाहर वाला, फिर साइड वाला जो कवर है माइनस कर देता हूँ। कवर अपना 40 mm है तो 0.86 मीटर है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, 1.8 प्लस कर देता हूँ। 0.8 यहाँ पे दिया हुआ है ओवरलैपिंग कितने देना है, तो 0.8 प्लस कर दिया है। प्लस यहाँ पे जो मैं पहले बताया था 1 नंबर बार का अपना 1 सेट का कवर माइनस किया है, इसलिए यहाँ पे 1 सेट का कवर बढ़ाना चाहिए, तो उसको भी बढ़ा देते हैं। तो देखिए 1.7 अपना यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट जो है 1.7 है, देखिए यहाँ पे आ गया है 1.7 आ गया है। चलिए 1B पे देखते हैं कि 1B कहाँ दिया, ये देखिए ये दिए दो यहाँ पे दिया, जो अपना मिडिल गडर है चीज यहाँ पे बॉटम में दे रहे हैं। यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक दे रहे हैं तीन बार को 1B को। तो अपना मिडिल इसको किस निकालेंगे, तो ले इसमें ओवरलैपिंग तो 8.8 ही देना है। इसमें जो बॉटम रेइंफोर्समेंट जो भी है उसके लिए 0.8 दिया हुआ है, और उसके बाद जो भी मेजरमेंट जो भी स्टील रहेगा टॉप मेजरमेंट, टॉप स्टील या फिर बॉटम साइड वाला स्टील, जब एक साइड वाला स्टील उसके लिए यहाँ पे दिया है 500 लैपिंग के लिए। सिर्फ अपना बॉटम का जो लैपिंग है वही 800 रहेगा। तो 1B नंबर अपना फाइंड आउट करते हैं कैसे, हेडर क्या होता है अपना कितने 0.9 प्लस, इसमें से मैं एक सेट का लैपिंग प्लस दूसरे सेट का भी लैपिंग कर देता हूँ। तो इसमें से एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ पे कवर मैंने ऐड किया था तो वो ये नंबर पे, वैसे भी इसमें भी कवर मैं ऐड कर लेता हूँ दोनों सेट के लिए। अपना 1 नंबर बार में दोनों सेट का कवर माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों सेट का कवर प्लस कर दिया है। 2.58 आ रहा है, मेजरमेंट कितना आया 2.58 यहाँ पे आ चुका है। 2 नंबर बार भी देखते हैं, 2 नंबर बार कौन सा है, यहाँ पे 2 नंबर बार यहाँ देखिए 16 mm है, नंबर भी दे दिया है, सीधा है, इसमें कोई गल वल है नहीं। 2 नंबर यहाँ दे रहा है, यहाँ पे ये दिया हुआ 2 नंबर, और ये भी दिया हुआ, दूसरे साइड में भी दिया हुआ है। देखो तो जैसे अपना 1 नंबर बार था वैसे ये 2 नंबर बार है, जैसे यहाँ देखिए 2 नंबर बार यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हो रहा, जैसे अपना 1 नंबर बार था वैसे ही 2 नंबर बार रहेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा 1 नंबर बार से, क्योंकि 1 नंबर अपना जो बार भी है यहाँ से लेके एक गडर का फेस से दूसरा गडर का फेस तक था, मेरे ये दूसरा नंबर भी एक गडर का फेस से दूसरा गडर का फेस तक था, जैसे अपने 1 नंबर फाइंड आउट किया था वैसे इसको भी रख लीजिएगा। ये चलते हैं 2A पे, 2A का भी 650L दे दिया है, 2A यहाँ देखिए 2A यहाँ पे दिया है और यहाँ पे भी दिया है। जैसे अपना 1A बार फाइंड आउट किया था वैसे ही आएगा, लेकिन इसमें फर्क क्या रहेगा, यहाँ अपना नीचे का 800 mm ओवरलैप दिया था, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ 500 mm ही ओवरलैप देना है, ड्राइंग में दिया हुआ है सिर्फ 500 mm ओवरलैप देना है। तो आपको कुछ अगर सीधा निकालना है तो 1A बार से 300 mm माइनस कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपको इसमें भी एक बार और समझा देता हूँ कैसे निकालना है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो गार्डर का अपना टॉप बिट है एंटर कर लिया है, उसमें से मैंने एक सेट का कवर माइनस कर दिया है, तो 0.86 आ गया, ये एक सेट वाला कवर माइनस कर दिया है, प्लस 500 mm ओवरलैपिंग कर दिया है तो 1.36 है। इसमें से मैंने एक सेट का कवर प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि अपने 2 नंबर बार में एक सेट का कवर माइनस किया था, इसलिए वहाँ पर मैंने कवर प्लस कर रहा हूँ, तो 1.4 ये नंबर का फसल नंबर 1.4 यहाँ आ गया, देखिए 1.4 तो 2 और 2A फाइंड आउट हो गया है। इसके बाद चलते हैं 2B, 2B का देखिए जैसे अपना 1B था वैसे ही है 2B, देखिए यहाँ पे भी दे रहे हैं, यहाँ पे भी है, जो मिडिल गडर है उसका सेंटर में दे रहे हैं, अंदर में दे रहे हैं, तो ये स्टील जो है 2B जैसे अपना 1B के तरह है ही है,
इसमें से सिर्फ वही फर्क होगा, जैसे अपना 1 ईयर बार में 500 mm ओवरलैपिंग दिया था, तो इसमें भी ओवरलैपिंग 500 mm ही देने वाले हैं। अगर आपको सीधे निकालना है तो जैसे अपना 1 बी बार मेजरमेंट आया था, उसमें से दोनों साइड का 300 mm 300 mm माइनस कर दीजिए, ये मेजरमेंट मिल जाएगा। मैं आपको पूरा भी एक बार समझा देता हूँ। जैसे घर का पहले टॉप एड पर एंटर कर लिया है, प्लस इसमें से एक साइड का ओवरलैप प्लस दूसरे साइड का ओवरलैप, तो 1.9 आ गया है। तो इसके बाद देर एक साइड का कवर प्लस दूसरे साइड का कवर 1.98 आ गया है। दोनों साइड का कवर मैंने प्लस कर लिया तो 1.98 आया हुआ है। ये बीच में देखते हैं 1.98 यहाँ पे भी है, तो 2B हो गया है। इसके बाद देखना है 3 नंबर बार का। 3 नंबर बार अपना जो है, देखिए यहाँ तक तो सभी का नंबर तो दे दिए हैं, इसमें अपने को कोई स्टेशन से नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, सब नंबर दे दिया है। तो अभी 3 नंबर बार फाइंडर करते हैं। 3 नंबर बार कहाँ है, कहाँ दिया हुआ है, देखिए दोस्तों इस कोने पे दिया है 3 नंबर, यहाँ दिया हुआ है देखिए 3 नंबर। तो ये 3 नंबर बार कहाँ से चालू हो रहा है, देखिए इस बार को दिया है जो यहाँ से देखिए वैसे सीधी जा रहा है, दूसरा एंड तक यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो ये नंबर जो बार है स्लैब में आएगा, जो डायफ्राम पोर्शन है उसी के ऊपर सीधा सीधा स्लैब में आएगा। तो ये मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे अपना गटर का आउटर से आउटर 12.5 मीटर है अभी हुआ देखिए, तो इस 12.5 मीटर से हम लोग दोनों साइड का कवर माइनस कर देंगे, तो ये 3 नंबर बार का मेजरमेंट मिल जाएगा। 12.5 मीटर से मैंने दोनों साइड का कवर माइनस कर रहा हूँ, 12.42। तो ये 12.42 यहाँ पे भी आ गया है, और एल को वो रेल का मेजरमेंट यहाँ पे दे दिया, देखिए तो 150 mm दे दिया है, वही 150 mm मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। तो इसके बाद चलते हैं 4 नंबर बार में, नंबर 4 यहाँ दे रहे हैं देखिए, ये कौन सा बार दिखा रहे हैं, जैसे बॉटम था अभी 3 नंबर बार, वैसे ही अपना कास्केटर का ऊपर स्लैब में टॉप में आएगा, स्लैब का टॉप में आएगा। तो ये भी जैसे 3 नंबर बार था ऐसे ही रहेगा, यहाँ से चालू होके फिर यहाँ आएगा, इधर होकर फिर लास्ट तक एंड तक। जैसे अपना 3 नंबर बार बॉटम में था मेन रेइनफोर्समेंट, ये टॉप रेइनफोर्समेंट है मेन बार है, तो जब बॉटम का कितने आया वैसे ही रहेगा, ये 12.42 बॉटम था, टॉप में भी 12.42 ही रहेगा। तो इसको भी मैंने सेट कर लिया, तो चलते हैं 5 नंबर पर, क्योंकि 5 नंबर कौन सा दे रहे हैं, 10 mm दे रहे हैं, 3 mm लॉन्ग नंबर सीधा सीधा दे रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है ये वाला, तो ये 5 नंबर के बाहर है, यहाँ पे एक दिया है और इधर भी दिया है, इधर भी दिया है। तो इसका मतलब ये है 5 नंबर बार ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेक्शन में दिखा रहे हैं, मतलब एक बीच पोर्शन में रहेगा। बॉटम में अपने वो 1 नंबर बार आया था और टॉप में 2 नंबर बार आया था, तो इसमें बीच में दोनों के बीच में अपना 5 नंबर बार आ रहा है। तो मेजरमेंट तो जैसे अपना 2 नंबर बार था ऐसे ही रहेगा इसका मेजरमेंट, क्योंकि इसका भी ओवरलैपिंग 500 mm ही दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपना वो 1 नंबर बार ओवरलैपिंग हो रहा था, उसका सीधा ही आया, तो ये भी ओवरलैपिंग 500 mm है। जैसे 1 नंबर बार का मेजरमेंट था वैसे सेम रहेगा, लेकिन इसमें स्पेसिंग नहीं दिया है, स्पेसिंग भी नहीं दिया है, 3 इंटू 11 नंबर दे दिया है, मतलब एक स्टैंड में 3 स्टैंड है, एक एक स्टैंड में 11 11 नंबर्स लगेगा, ये तो तीनों स्टैंड में 33 नंबर जाएगा। जैसे अपना 2 नंबर बार था वैसे मैक्सिमम रहेगा, 2 नंबर बार का अपना 2.02 था, इसको भी 2.02 ही रहेगा। इसके बाद चलते हैं 5A में, 5A में देखिए 5A भी जिसमें अपना 2A नंबर बार था, वहाँ पे दे रहे हैं देखिए, और इधर भी दे रहे हैं देखिए दोनों साइड का कॉर्नर पर। तो ये 5A में कोई एल वेल नहीं दिया है, लेकिन अपना जो 2A नंबर बार में एल दिया था 650 mm, तो ये
देखिए जैसे अपना टू नंबर बार का टू ये नंबर का मेजरमेंट था, वैसे ही फाइव ए का भी रहेगा, क्योंकि इसका भी जो लेंथ है ये जहाँ पे अपना टू ए ख़त्म हो रहा है वहीं पे दिखा रहे हैं, तो टू ए नंबर और फाइव ए नंबर का मेजरमेंट सेम रहेगा। अभी चलते हैं फाइव बी में, फाइव बी का भी देखिए अपना जो टू बी जो बार है वैसे उतना ही मेजरमेंट रहेगा, जैसे अपना ये टू बी बार यहाँ ख़त्म हो रहा है उसके सीधे में यहाँ पे नीचे ख़त्म हो रहा है, देखिए फाइव ए नंबर ये जो बार है ये फाइव ए नंबर है, सॉरी फाइव बी नंबर है, तो ये टू बी का जो मेजरमेंट आया था वैसे सेम रहेगा फाइव बी का, तो वो ऊपर वाला मेजरमेंट सीधा निकाल दीजिएगा। चलते हैं फिर सिक्स नंबर में, सिक्स नंबर बार देखिए 12 200 स्पेसिंग है, टू लकड़ स्टेर इसमें स्पेसिंग दिया है, नंबर्स नहीं दिया है, 12 एम एम का 200 एम एम स्पेसिंग है। सिक्स नंबर बार इस वाला सेक्शन में तो नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे दे रहे सिक्स नंबर यहाँ पे तो सेक्शन ये सेक्शन ये कहाँ कट गया, देखिए यहाँ पे जो कट गया था जो ग्रास कटर का सेंटर में, तो उसी का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें दे रहे हैं सिक्स नंबर बार, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, जो ये रिंग है मेन रिंग है, जो मेन रिंग है वही है ये वाला सिक्स नंबर बार है, सेट तो अपना यहाँ पे मालूम हो गया है, तो सिक्स नंबर बार वही हो गया है। तो सिक्स नंबर को मैंने कैसे मेजरमेंट निकाला मैं बता देता हूँ, जैसे ये बॉटम का जो मेजरमेंट अपना क्रॉस कटर का 400 mm दे दिया है, इसमें से दोनों साइड कवर माइनस कर दीजिए तो 320 mm ये वाला एल हो जाएगा। ये हाइट कैसे निकाला मैंने वो बता देता हूँ, कि यहाँ पे देखिए कोई यहाँ नीचे से गटर का बॉटम से यहाँ तक कोई हाइट मेंटेन नहीं किया, और अपना इसमें जो यहाँ पे नहीं दिया तो अपना डायमंड्स वाला ड्राइंग में देखते हैं, डायमेंशन वाला सेक्शन में देखिए यहाँ देखिएगा यहाँ पे है क्रॉस कटर, क्रॉस कटर का जो लाइन मारा हुआ है ये लाइन मारा हुआ है, देखिए ये लाइन मारा हुआ है क्रॉस कटर का, तो ये जो गटर का बॉटम है वहाँ से लेके जो आंच जो कटेगा वहीं तक दिया हुआ है, यहाँ तक देखिए हम एक लेयर दे रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस कटर नहीं रहेगा, इतने दूर ऊपर जाने के बाद फिर क्रॉस कटर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट कैसे अपना इसमें से देखिए सेक्शन वाला ड्राइंग में दे रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट 250 एम एम दे दिया है, तो अपना क्या करना है जो ओवरऑल हाइट है डायफ्राम का ओवरऑल हाइट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे गटर का हाइट था, गटर का हाइट 1.5 है तो क्रॉस गटर का भी हाइट 1.5 ही रहेगा, तो उसमें से ये 250 एम एम माइनस हो जाएगा, तो 1.5 में ये 250 माइनस कर दीजिए तो कितना रहेगा अपना 1.25 रहेगा, 1.25 है प्लस अपना जो क्रॉस कटर है वो स्लैब का टॉप तक जाएगा, क्रॉस कटर का जो रिंग बार है मैं आपको इसमें ये दिखाता हूँ, देखिए ये स्लैब है 220 एम एम स्लैब दे रहे हैं यहाँ पे, इस स्लैब का टॉप रेनफोर्समेंट तक ये क्रॉस कटर का जो रिंग बार है हो जाएगा, तो ये अपना 1.25 जो मेजरमेंट मिला था उसमें से ये 220 एम एम प्लस कर देते हैं तो 1.47 हो जाएगा, 1.47 में दोनों साइड का कवर माइनस कर दीजिए, से गटर का हाइट 1.5 था उसमें से मैंने 0.25 माइनस कर दिया तो 1.25 है, तो इसमें से प्लस मैंने स्लैब का हाइट प्लस कर दिया तो 1.47 है, इसमें से गटर का दोनों साइड का कवर माइनस कर देता हूँ तो 1.39 है, जो सिक्स नंबर बार है उसकी मेजरमेंट 1.L का हाइट है 1.39 है और जो विड्थ है 0.32 देखिए 1.32 है और 1.39 मेजरमेंट आ गया है, तो सिक्स नंबर का मेजरमेंट आ गया है, इसका नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिक्स नंबर बार है अपना जो एक गटर का फेस से दूसरे गटर का फेस तक रहेगा, अब जैसे अपना तीन स्पैन है मतलब चार गटर है तो चार गटर का अंदर अंदर तीन स्पैन जो मिला है उसी में उसके अंदर अंदर रहेगा, तो ये मेजरमेंट अपना को मालूम पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक अपने कितने मेजरमेंट आया है, देखिए अपना गटर सेंटर से दूसरे गटर का सेंटर 3 मीटर है
जैसे मैंने गटर का आधा विड्थ एक साइड का माइनस कर दिया, दूसरे साइड का आधा विड्थ माइनस कर दिया है, इसमें से मैंने कवर भी माइनस कर देता हूँ, क्योंकि जो गटर का फेस में तो स्टील नहीं रहेगा, फेस से थोड़ा दूर ही रहेगा स्टील, इसलिए दोनों साइड का मैंने कवर माइनस कर दिया 2.02 है। तो इससे मैंने एक 2.02 से जो अपना दिया हुआ 5-6 नंबर बार का स्पेसिंग उससे डिवाइड कर देता हूँ 0.2, तो 10.1 आया है। तो 10 नंबर मान लेते हैं इसको, प्लस 1 नंबर कर देते हैं तो 11 हो जाएगा, प्लस 1 नंबर अपना जीरो वाला जो बार है उसके लिए प्लस 1 नंबर ऐड करते हैं, तो ये 11 नंबर एक स्पैन में रहेगा, अपना स्पैन टोटल 3 हो गया है, तो ये टोटल 33 नंबर्स रहेगा। देखिए यहाँ पे आ गया अपना 33 नंबर, तो 6 नंबर बार का मसलमेंट हो गया है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर बार पर, 7 नंबर 2×3 नंबर्स दिया है 16 नाम का, 7 नंबर देखिए यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे एक है, दूसरा जो है यहाँ पे दिए है, तो ये वाला 7 नंबर जो बार है यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए ऐसे आके फिर सीधे यहाँ पे थे। तो ये मेजरमेंट कैसे निकालेंगे बता रहा हूँ आपको, इसे अपना ये गटर का सेंटर से अपना जो स्लैब का जो कैंटिलीवर स्लैब का एंड है वो 1.75 मीटर है, तो 1.75 मैंने एंटर कर लिया, प्लस जो गटर का अपना हाफ फिट में 0.45, प्लस अपना जो ये ओवरलैप कितने एमएम इसमें देना है 500 एमएम देना है, वो 500 एमएम प्लस कर दिया, इसमें से मैंने एक साइड का कवर माइनस कर देता हूँ, एक साइड का कवर तो माइनस कर दिया, यहाँ का कवर मैंने माइनस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग के लिए अपना जो ओवरलैपिंग के लिए यहाँ पे अपना जो जो भी है 2 नंबर बार 5 नंबर बार में एक कवर माइनस किया था दोनों साइड का, तो इसके लिए यहाँ पे एक कवर बढ़ा देते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे एक कवर बढ़ा देते हैं, तो 2.7 मीटर हो जाएगा अपना 7 नंबर बार का। इसका स्पेसिंग कुछ दिया है क्या, स्पेसिंग तो नहीं दिया, इसमें नंबर जो दिया है 203 नंबर जो दिया है, इनका मेजरमेंट 200 दे दिया है, तो यहाँ पे देखिए 2.7 आ गया है, तो इसको मैं शेयर कर देता हूँ। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर बार, देखिए 8 नंबर बार यहाँ पे दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है, जो 1 नंबर बार बॉटम में था कुछ जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए 8 नंबर बार यहाँ से लेके यहाँ तक है से जा रहा है 8 नंबर बार, जैसे अपना ओन नंबर बार था वैसे 8 नंबर बार सेम रहेगा, ओन नंबर बार का ऊपर रहेगा अपना 8 नंबर बार, तो 8 ये नंबर बार भी देखिए जैसा अपना ओन ये था उसके ऊपर ही रहेगा 8 ये, कि यहाँ पे एल होके ऐसे बेंड होके ऐसे आ रहा है, जैसे अपना ओन नंबर बार था वैसे ही रहेगा, ओन ये नंबर बार था वैसे ये 8 ये नंबर बार रहेगा, और 8 भी नंबर दे देखिए 8 भी नंबर जैसे 1 भी नंबर था अपना वैसे 8 भी रहेगा, वो 1 भी का ऊपर रहेगा, तो जैसे अपना 1 ये 1 भी मेजरमेंट निकाला था ऐसे ही सेम रहेगा, 8 ये और 8 भी का मेजरमेंट सेम रहेगा, इसका नंबर्स तो दे दिया है तो आपका नंबर्स भी फाइंड करने का जरूरत है नहीं। जैसे मैंने और इस एक्सरसाइज में मैंने और क्या क्या दिखाया आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक एल मोड़ रहे हैं, तो ये एल मोड़ने के लिए जो 2D माइनस करना है वो मैंने 2D माइनस कर दिया है, यहाँ पे बेंडिंग करेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने 2D माइनस कर दिया है, तो ये इसका लेंथ मिल गया शेप लेंथ, और इसमें से अगर 12 मीटर का कहीं ऊपर है, देखिए यहाँ पे 12 मीटर का ऊपर है, तो ये मैंने जो ड्राइंग में दिया था ड्राइंग में अपना दिया हुआ है 76 लैप लेंथ का, जो लैप लेंथ कितने देना है वो ड्राइंग में दिया हुआ है, इसको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए दिया हुआ है 76 टाइम्स दया ऑफ बार ओवरलैप, तो ये लैप लेंथ 76 दया के हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना कट लेंथ भी ऐड कर लिया है, तो उस कट लेंथ के हिसाब से आपको टोटल वेट मिल जाएगा, इसमें से आप रिकन्सलेशन वगैरह करने का भी इसमें आसानी रहेगा आपको। दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा जरूर, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।